गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन लास्ट क्लास में 8.1 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स कर रहे थे। अब अपन आगे बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 में, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वाला देख लेना। एक बार एग्जांपल नंबर 5 को अपन वापस से स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 अपना क्या था उसकी बात करते हैं अपन। देखो एग्जांपल नंबर 5 में एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, उसमें अपन ने लेंथ को x अज्यूम कर लिया, x दे भी रहता है, y की क्या है ब्रेथ होगी, ठीक है, अपन ने लेंथ कर लिया, पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल p एंड एरिया को क्या लेंथ कर लिया अपन ने a, तो पेरिमीटर क्या हो जाएगी, तो पेरिमीटर क्या होगी 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे p 2 लेंथ x का और y हो जाएगा। अब dp अपॉन dt करेंगे, 2 dx अपॉन dt आएगा, dy अपॉन dt आएगा। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है तो x है तो डिग्री हो रहा है, गिवन क्या है आपको dx अपॉन dt डिक्रीज हो रहा है, माइनस का 3 सेंटीमीटर पर सेकंड आ रही है। देखिए एक्स में जो चेंज हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है और वाई में जो चेंज हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। वाई वाला है कितना है, अपन ने कल ध्यान नहीं दिया था इस चीज का, उसका डिक्रीज का कांसेप्ट था और इंक्रीज वाला 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। जो वाई है वो dy / dt कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहां से dp / dt कितना आ जाएगा 2 dx / देखो dp / dt कितना आएगा 2 dx / dt -3 प्लस का 2 यहां पे आएगा -2 और पेरिमीटर इन सेंटीमीटर होगी, टाइम इन सेकंड होगी। ऐसे अपन एरिया निकालेंगे, एरिया x / y होगा, तो यहां पे dA / dt आएगा, पहला वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। आप dy / dt की वैल्यू रखोगे 2, dx / dt की वैल्यू रखोगे -3, आपको x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, आप आगे सॉल्व कर सकते हो यस और नो, क्या इसको आगे सॉल्व कर सकते हो आप लोग? अरे कल वो मिस्टेक हो गई माइनस वाली, ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर सकते हो? अरे आंसर एक का ही आया है और कहाँ गए सारे? यस सर, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर लास्ट देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर जो आपका 6 वाला है उसमें क्या बोल रहा है, सभी स्टूडेंट्स ने देखा होगा, उसमें एक कोण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कोण की बात कर रहा है। देखते हैं इसको, water is dripping out from a conical funnel at a uniform rate of 4 cm per second through a tiny hole at the vertex in the bottom. While the slant height of the water is 4 cm, find the rate of change of the slant height. Rate of change of slant height of water given that the vertical angle of the cone is 60. देखिए students, आपको cone दे रखा है, cone में आपको एक तो vertical angle दे रखा है, क्या दे रखा है,
वर्टिकल एंगल दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए ये आपका कोण है वर्टिकल एंगल का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वर्टिकल एंगल का मतलब क्या होता है? वर्टिकल एंगल का मतलब होता है ये वाला, या तो ये या फिर ये, पूरा नहीं, पूरा नहीं होता है, ये वाला होता है। ठीक है, कितना मेरे का है? ये 60 पे रहता है, कितना रहेगा? 60, ये 60 पे रहता है। आपको स्लैंट हाइट कितनी देखनी है? स्लैंट हाइट को अपन एल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? स्लैंट हाइट को एल मान लिया, ठीक है? ओके, आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, होगा कि नहीं होगा? इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है? कह वॉल्यूम में चेंज दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ओके, देखिए वैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे डी आपको डीटी करोगे तो ये तो आर आ रहा है, ये एच आ रहा है, डी आर आपको डीटी भी आएगा, डी एच अपॉन डीटी भी। इसकी वैल्यू पता नहीं है, इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? इस R को, इस R को L के टर्म्स में चेंज करेंगे और इस H को भी L के टर्म्स में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अपने को कैलकुलेट करना है स्लैंट हाइट में जो चेंज होगा वो कितना होगा। बात समझ आ रही है? यानी कि आपको स्लैंट हाइट में चेंज कैलकुलेट करना है। जो मैंने ये बात बताई क्या आप लोगों के समझ में आ गई? R को अपन L में क्यों चेंज करेंगे, H को L में क्यों चेंज करेंगे, कि अपने को dl अपॉन dt चाहिए। या सुन लो, मेरे को कमेंट करो कि ये बात समझ में आ गई सर हमारे, इसलिए अपन चेंज कर रहे हैं। यस, दो का आंसर आया, यस, ओके ओके। यानी कि अपन क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि सर अपने स्लैंट हाइट में चेंज कैलकुलेट कर रहा है। अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं, यहां देखेंगे अपन इस क्वेश्चन में, तो मैं इन राइट एंगल ट्रायंगल बात करता हूं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में बात करता हूं, ओके, इसको मैं एच अज्यूम कर लेता हूं, ये एच है अपना, पूरी रेडियस मान लीजिए आर, ठीक है? लेफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट रेडियस ऑफ कॉन आर हाइट को क्या अज्यूम कर लिया अपन? हाइट को मैंने एच अज्यूम कर लिया एंड स्लैंट हाइट को, स्लैंट हाइट को अज्यूम कर लिया मैंने एल, ठीक है? सारे लोकेशन पता चल गया और वॉल्यूम को भी, वॉल्यूम को क्या कर लिया? ये कर लिया। अब यहां देखो आप, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में बात करते हैं, बात करें। अब देखिए आपको ये वाला चीज ध्यान रखना, आप लोग जो आपको चाहिए होता है, यानी कि आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, एच को भी एल में चेंज करना है, आर को भी एल में, कुछ सोचना नहीं है। जो वैल्यू आपको चाहिए, एच चाहिए और आपको एल पता है, ऐसे मान लो कि अपने को एल पता है, क्वेश्चन में वैसे एल भी पता है, जब अपन dl को dt निकालेंगे, जो आपको कैलकुलेट करना है और जो आपको पता है या जिसके टर्म्स में लाना चाहते हैं, h को ऊपर लिख लो l। अब इस ट्रायंगल में आप बताओ h अपॉन l क्या होगा? देखिए l देखिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये क्या बच रही है? बेस। तो बताओ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? cos 60 हो जाएगा। ये समझ में आ गया? यस और नो बताओ, देखिए समझ में आ गया है ये कैसे लिखा?
बेटा कमेंट कर दिया दो सर, यस सर, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आया है, तब तो मैं आगे चलूं, अदरवाइज ये रुक जाऊं। अब यहाँ पे कोर 60 के लिए भी होती है बना कोर है तो कोर है, तो यहाँ पे एच की वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2H इक्वल टू कितना हो जाएगा एल, एच की वैल्यू आ गई एल अपॉन टू। ऐसे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आर अपॉन एल निकालना चाहिए, साइन 60 निकालेंगे तो आर अपॉन एल होगा, रूट थ्री अपॉन टू आएगा, आर अपॉन एल आएगा, टू आर इक्वल टू रूट थ्री है, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट थ्री अपॉन टू है। अब वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम डी होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होगा, तो वी इक्वल टू 1/3 पाई आर की वैल्यू बोलो, इसका स्क्वायर वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4 होगा, नहीं होगा एल स्क्वायर आएगा, और एच कितना हो जाएगा एल अपॉन टू आ जाएगा, यहाँ से अपन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू बी से थ्री गया पाई एल क्यूब अपॉन 8 आएगा, ऐसे बोल सकते होंगे 1/8 पाई एल का क्यूब आएगा, आएगा नहीं आएगा, एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे चलते हैं। इतना हो गया, तो देखो अब कैसे करेंगे इसके आगे, अब अपन इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, जस्ट वन सेकेंड, हाँ जी आपको दे रखा है टी के रेस्पेक्ट में करेंगे अपन, तो डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू 1/8 पाई आर एल क्यूब का थ्री को आगे आ जाएगा एल स्क्वायर, तो डी एल अपॉन डी टी हो जाएगा, डी टी अपॉन डी टी कितना रहेगा आपको क्वेश्चन में वो दे रखा है, वो दे रखा है आपको 4 cm³/s, ठीक है 4 cm³/s, ठीक है, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी 1/8, ये कितना हो जाएगा 3π/8 l स्क्वायर dl / dt आएगा, और यहाँ पे अगर बात करें अपन n की वैल्यू दे रखी है आपने, अपने dl / dt कितना आएगा, यहाँ से dl / dt आ जाएगा 32/ dπ एल स्क्वायर, और अपन बात करेंगे एन एल इक्वल टू 4 दे रखा है, 4 cm पे डी एल को भी डी कितना आएगा 32/3π इनटू 4 का स्क्वायर 16 आएगा, ये कैंसिल होगा 2/3π cm/s आएगा, कितना आएगा सेंटीमीटर, डीवी अपॉन डीटी डिक्रीज है, डिक्रीज है तो नेगेटिव आ रहा होगा, एक सेकेंड चेक करना पड़ेगा मेरे को, हाँ डिग्रीज है, ठीक है डिग्रीज है तो -4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -4, तो सारे माइनस रहेगा ही,
हाँ यहाँ से कितना रहेगा dl अपॉन dt इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो, एक कौन बन एक्सरसाइज विथ एग्जांपल्स हो गए हैं, विथ एग्जांपल्स हो गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से। हाँ डन, ओके। अब देखिए 8.2 एक्सरसाइज नहीं करेंगे, पहले 8.3 करेंगे। 8.2 एक्सरसाइज 8.4 से कनेक्ट करेंगे, 8.2 एक्सरसाइज 8.4 से कनेक्ट करेगी, 8.3 अलग है, तो पहले अपन 8.3 को पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी देखिए स्टूडेंट्स, 8.3 एक्सरसाइज की बात करते हैं पहले, कोई बात नहीं, कॉपी में आप ऐसे काम करना, पहले 8.3 को, उसके बाद 8.2 को। अब देखिए 8.3 में क्या है, एक तो टेंजेंट है और एक नॉर्मल है, क्या है टेंजेंट है और एक क्या है नॉर्मल है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास ये आपका x एक्सिस है, ये आपका मान लीजिए y एक्सिस है, और मान लीजिए आपका ये कर्व है, क्या है कर्व है, क्या है कर्व है, और मैं ऐसे बोलूं आपका कर्व दे रखा मान लीजिए y इक्वल टू f(x), y equal to f(x), ठीक है? इसका मीनिंग क्या हुआ कि y है तो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और मान लीजिए ये आपकी टेंजेंट है, ठीक है आपकी टेंजेंट, मान लीजिए आपकी क्या टेंजेंट, और ये आपका टचिंग पॉइंट है, क्या है टचिंग पॉइंट, है कि नहीं है, कौन सा पॉइंट है टचिंग पॉइंट। हाँ जी ये आपका टचिंग पॉइंट है, और ये टचिंग पॉइंट है, मान लिया मैंने कि ये x1 को हाँ y को 1 पे टच कर रही है, ये लाइन इस कर्व को x1 को y1 पे टच कर रही है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या ये लाइन है, और जो लाइन की इक्वेशन होती है वो स्लोप फॉर्म में क्या होती है, जिसका स्लोप पता हो, और किसी पॉइंट से पास हो रही हो, किसी पॉइंट से पास होने वाली और उसका स्लोप गिवन हो, वो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन बोले या फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोले या फिर लाइन बोले, यहाँ पे लाइन का मतलब टेंजेंट ही है, वो क्या होगा, वो देखिए क्या होगा, किसी पॉइंट से पास हो रही है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, होगा कि नहीं होगा, आपको पता है कि ये टेंजेंट है वो x1 को y1 से क्या हो रही है पास हो रही है, y माइनस y1 m x माइनस x1, अब जो m होगा वो क्या होगा, यहाँ पे तो बताएगा जो m होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जो m होगा वो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब tan थीटा, tan थीटा का मतलब dy अपॉन dx, क्या होगा dy अपॉन dx, यहां से बोल सकता हूं y माइनस y1, y माइनस y1 dy अपॉन dx, लेकिन जो dy अपॉन dx होगा तो कौन से पॉइंट पे होगा, at x1 y1 पे, y माइनस y1 dy अपॉन dx at x1 y1 पे, और लास्ट में y माइनस y1। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है,
इस फॉर्मूले को लर्न करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे ही कौन सा फॉर्मूला आता है, ये वाला आता है। अब यहाँ पे एक बात ढूंढू है, यहाँ पे एक बात ढूंढू है, अगर मैं मान लू इस पे मैंने पर्पेंडिकुलर पूरा डाल दिया, ठीक है, कोई बताएगा अगर ये अपनी टेंजेंट है, ये क्या अपनी टेंजेंट है, तो ये क्या होगी फिर, ये क्या होगी अगर ये टेंजेंट है तो ये क्या होगी, ये होगी नॉर्मल, क्या होगी नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नॉर्मल होगा, बिल्कुल सही बात है नॉर्मल होगा। आपका ये था x1, y1 और ये टचिंग पॉइंट भी था, टेंजेंट भी एक लाइन होती है, टेंजेंट भी क्या होती है लाइन होती है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं दो ही फॉर्मूले से एक्सरसाइज को खत्म करता हूं, आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, बस इसी कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। ये आपकी टेंजेंट है, एक लाइन होती है और लाइन की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में ये होती है, आपको सबको पता है पॉइंट कौन है, पॉइंट है और शॉर्ट फॉर्म में नॉर्मल है, आपको पता है नॉर्मल भी एक लाइन होती है, होती है नहीं होती है, जो टेंजेंट x1, y1 से पास होगी तो नॉर्मल भी किससे पास होगा, x1, y1 से पास होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y-y1 इक्वल टू, अब की बार जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इसका उल्टा, इसका m था, इसका क्या हो जाएगा, क्या ये बात समझ में आ गई सही की, आपने पढ़ा होगा अगर दो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, अगर एक का स्लोप m1 है दूसरे का m2 है तो वैल्यू क्या आती है, माइनस बनाती है। पहले वाली लाइन का टेंजेंट का स्लोप आपने क्या अज्यूम किया था m, इस वाली का क्या किया आपने माइनस का 1/n इक्वल टू क्या रहेगा, सॉल्व करो m से m कट गया माइनस पर, यानी कि बात समझ में आ गई आपके बढ़िया तरीके से, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है और ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है। m तो पता आप कैसे कैलकुलेट करोगे, m की वैल्यू को आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर दोगे, m कैसे आएगा dy/dx, तो जिस भी पॉइंट पे होगा जैसे मान लो यहां पे x1, y1 पे, इस पॉइंट पे अपन x1 और y1 रख देंगे। समझ में आ गया, तो आप सभी स्टूडेंट्स एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें और 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 निकाल लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 5, आप बस जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसको पढ़ते रहो बस, बढ़िया तरीके से। आपको कर्व दिया हुआ y=x3 - x, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x = 2। देखिए ये चैप्टर आपका टफ है लेकिन आप बढ़िया तरीके से सुन लोगे, मैं तो बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ, सबसे इजी बना देंगे इस चैप्टर को, ठीक है, बहुत अच्छा लेवल का चैप्टर है लेकिन आप बढ़िया तरीके से सुन लोगे तो सबसे इजी बना देंगे। हाँ अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको कर दिया हुआ है y = x2 - x, आपको स्लोप कैलकुलेट करना है, स्लोप क्या होता है dy/dx होगा कि नहीं, तो dy/dx लेंगे तो कितना आएगा, dy/dx कितना होगा, कितना हो जाएगा dy/dx,
dx square minus का है हर हो जाएगा उस log and x equal to 2 पे एट x equal to 2 पे बात करेंगे x equal to 2 डिवाइड बाय dx कितना हो जाएगा 3 2 का स्क्वायर माइनस 1 12 11 आंसर 11 आ गया अब सिंपल है कि नहीं है बिल्कुल सिंपल है अगला क्वेश्चन कॉल करो y इक्वल टू क्या हो रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कर दिया हुआ है y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 जहां पे x नॉट इक्वल टू 2 ये क्यों दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू 2 कोई बताएगा ये कोई काम आएगा क्या s इक्वल टू s x नॉट इक्वल टू 2 ये क्यों दिया हुआ है क्योंकि अगर x इक्वल टू कर दिया आपने तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा अपने को ये वैल्यू नहीं लानी ये वैल्यू नहीं रख सकते कहने का मतलब यही इसका और कुछ नहीं मतलब आपको स्लोप निकालना है स्लोप आपका क्या होता है dy / dx होता है देखिए dy / dx करेंगे अपन तो कैसे करेंगे आपको पता है ये आपका y दे रखा है डायरेक्टली दोनों स्लोप dy / dx आपको पता चल गया कितना हो गया आपसे x माइनस टू का स्क्वायर u अपॉन v से करना पड़ेगा किससे करना पड़ेगा u अपॉन v से तो कैसे करते पता है नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर नीचे वाला फंक्शन जैसा कैसा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 है ऊपर वाला फंक्शन ऐसा का ऐसा नीचे वाले का करेंगे माइनस का 2 आएगा कितना आएगा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर ये ऐसा का ऐसा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस वन आएगा x माइनस वन ऐसा का ऐसा नीचे वाले का करेंगे माइनस वन आएगा कैसे आएगा जी x का जीरो होता है और यहाँ पे बना रहेगा यहाँ पे बना रहेगा नीचे वाला फंक्शन ऐसा का ऐसा क्या हो रहा है ये नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर नीचे वाला फंक्शन ऐसा का ऐसा ऊपर वाले का करेंगे x का 1 हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा नीचे वाले फंक्शन का करेंगे x का 1 हो जाएगा 2 का 0 हो जाएगा सब कुछ समझ आ गया होगा x से x कटेगा ऊपर माइनस में आएगा x माइनस 2 का स्क्वायर आएगा होगा नहीं होगा क्या बनेंगे स्लोप है x इक्वल टू tan के डिवाइड अपॉन dx कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे इसको 10 माइनस 2 8 8 प्लस 4 माइनस का 164 है आंसर इन दिस एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं अरे पढ़ने में मजा आ रहा है अरे चैप्टर नंबर 8 को पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं यस सर हाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू आपको कर दिया हुआ है y इक्वल टू फोर एक्स माइनस 3 राहुल शर्मा बोल रहा है सर स्कूल ओपन कर दो फिर तो मजे मजे हैं 4x माइनस 3 राहुल शर्मा स्कूल तो ओपन ही है बस बच्चे नहीं आ रहे
स्कूल तो ओपन ही है, है? नहीं है ओपन, बच्चे नहीं आ रहे बस। y इक्वल टू 4x माइनस 3, ये आपका कर्व है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस का टू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या हो गया dy अपॉन dx हो गया। रूट एक्स का कैसे होता है 1 अपॉन रूट एक्स होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अरे रूट एक्स पूरे को क्या मानते हैं अपन, कैपिटल एक्स, याद करो जब 12th क्लास पढ़ाना स्टार्ट किया था मैंने, एक सेकेंड माइनस एक भी है क्या है माइनस एक। अच्छा वैसे इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, अरे इस पूरे को x मानेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन रूट एक्स, लेकिन जिसको x मानेंगे उसका वापस से करना पड़ेगा, उसका वापस से करना पड़ेगा, रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स, उसको वापस से करेंगे तो क्या होगा 4x का क्या हो जाएगा 4, 3 का क्या हो जाएगा 0, होगा कि नहीं होगा, और 1 का तो वैसे 0 होता है, इसको सोल्व करने के बाद कितना है 2 अपॉन रूट में 4x माइनस का 3। आपसे वैसे पूछा क्या है, आपसे स्लोप नहीं पूछा, आपको स्लोप दे रखा है, कितना दे रखा है 1/2, आई थिंक 1/2 दे रखा है, कुछ नहीं 2/3, 2/3 दे रखा है, हाँ आपको 2/3 दे रखा है स्लोप dy / dx 2/3 और 2 अपॉन रूट में 4x माइनस 3, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन रूट में 4x माइनस का 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर भी कर रहा हूँ और रूट और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्क्वायर कर रहा हूँ, क्या आएगा 4x माइनस 3 इक्वल टू 9 आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9 यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, x की वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, x की वैल्यू 3 आ गई, कर्व के अंदर पुट कर लो तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आपका 4x माइनस का 3 माइनस का 1, तो 4 इंटू 3 माइनस का 3 माइनस 1 12, 12 में से 3 किया 9, 9 का रूट 3, 3 माइनस 1 कितना आएगा 2 आएगा, y की वैल्यू 2 आ गई, तो आपका आंसर क्या आ गया, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट x की वैल्यू क्या है 8, y की वैल्यू 2, ये आंसर है, आंसर इज दिस। समझ में आ गया होगा सभी के, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, अब देखते थे कि अगला क्वेश्चन कितना छोटा है कितना बड़ा है, अगला क्वेश्चन तो बड़ा है भाई, उससे अगला देखते हैं, वो भी बड़ा ही है, चलो कल ही पढ़ लेंगे अब, ठीक है बाकी का कल ही पढ़ लेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारा समझ में आ गया होगा सभी के, बेटा कॉपी में काम कर लेना आप लोग, कॉपी में कंप्लीट काम रखना, नहीं तो स्कूल रीओपन हो गई और आपने काम नहीं किया तो पिटाई हो जाएगी अच्छी वाली, तो पिटाई से बढ़िया है कि आप कॉपी में काम ही कर लो, हैं काम कंप्लीट है सभी का, यस और नो, यस सर, यस सर, ओके थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे बाकी का कल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
कंप्लीट है। ओके 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 डन। जो कंप्लीट रखेगा उसको बढ़िया मार्क्स आएंगे, जो नहीं रखेगा उसके कम मार्क्स आएंगे। ओके थैंक यू।